सब्सक्राइब कीजिए अनपेड गुरुजी चैनल को, दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनपेड गुरुजी। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम सी लैंग्वेज से डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल चल रहा है, उसकी एक सीरीज जो चल रही है, उसी सीरीज में हम डेटा टाइप्स आज डिस्कस करेंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं और उनका सी लैंग्वेज में क्या क्या यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले डेटा टाइप्स क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल के जितने भी लेटेस्ट वीडियो हों वो आप तक पहुँच सकें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देख लेते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। दोस्तों, जो डेटा टाइप्स होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि जो वेरिएबल कोई वैल्यू स्टोर करने वाले हैं वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। मीन्स दैट द डेटा टाइप स्पेसिफाइज दैट विच टाइप ऑफ वैल्यू द वेरिएबल कैन होल्ड। मतलब जो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हम जो प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो किसी ना किसी टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करने वाले हैं ये स्पेसिफाई करता है उसका डेटा टाइप, कि जिस टाइप का वेरिएबल होगा वो उसी टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो ये स्पेसिफाई करता है डेटा टाइप। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। मतलब हम जो सी लैंग्वेज में वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो वो डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने वाला है। ये वेरिएबल के बारे में डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि सी लैंग्वेज में, इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि जो डेटा टाइप्स होते हैं सी लैंग्वेज में वो कौन कौन से डेटा टाइप्स हम लोग यूज करते हैं, मतलब उनकी जो कैटेगरी है वो कौन कौन सी हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब जो कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, उन्हें बेसिक कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। इसके अलावा कुछ ड्राइव डेटा टाइप होते हैं, मतलब जो कुछ जो ऐसे डेटा टाइप जो बेसिक डेटा टाइप से क्रिएट किए जाते हैं उन्हें हम लोग ड्राइव कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा इन्यूमरेशन डेटा टाइप होता है, जिसे हम लोग इनम वगैरह भी कहते हैं। इसके अलावा एक डेटा टाइप होता है वॉइड। तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं जो सी लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद जैसे हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं उनमें इंट होता है, कैर होता है, फ्लोट लेते हैं हम लोग, और इसके अलावा डबल डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं। इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया और डबल। इसके अलावा जो ड्राइव डेटा टाइप होते हैं सी लैंग्वेज में, उनमें क्या होता है कि जो ऐसे डेटा टाइप जो बेसिक डेटा टाइप से ड्राइव किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, जैसे एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया और यूनियन, ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं हम आगे के जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर होंगे उनमें हम कवर करेंगे। तो अभी केवल इतना स्पेसिफाई इतना समझ लेते हैं कि ये जितने भी ड्राइव डेटा टाइप होते हैं वो बेसिक डेटा टाइप से क्रिएट किए जाते हैं, जैसे एरे है, पॉइंटर है, स्ट्रक्चर है और यूनियन है। इसके अलावा जो इन्यूमरेशन डेटा टाइप होता है उसमें इनम होता है, इसका अभी हम यूज बताएंगे आपको। इनम होता है, उसे हम लोग इन्यूमरेशन डेटा टाइप में, डेटा टाइप की कैटेगरी में स्पेसिफाई करते हैं। इसके अलावा एक डेटा टाइप होता है वॉइड। तो ये जितने भी डेटा टाइप होते हैं वो हम लोग सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक डेटा टाइप क्या होते हैं। जो अभी हमने स्पेसिफाई किया कि कुछ बेसिक डेटा टाइप होते हैं सी लैंग्वेज में, देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। दोस्तों, बेसिक डेटा टाइप आर इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट बेस्ड। मतलब जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, और ये साइंड भी होते हैं और अनसाइंड भी होते हैं। मतलब दोनों टाइप के जो साइंड और अनसाइंड डेटा टाइप होते हैं वो सी सपोर्ट करता है। इसके अलावा इनका जो साइज होता है, इन डेटा टाइप्स का जो साइज होता है वो 32 बिट और 64 बिट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जिस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या अगर आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलावा अगर आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उनका जो साइज होगा वो डिफरेंट डिफर करता है। तो ये होते हैं बेसिक डेटा टाइप्स। जैसे देख लेते हैं, सबसे पहला होता है कैर। कैर क्या होता है, ये कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कैर डेटा टाइप मेमोरी में जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ये 1 बाइट रिजर्व करता है, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -128 to 127। कैर डेटा टाइप, कैर का यूज क्या होता है कि ये कैरेक्टर डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा एक होता है सॉर्ट डेटा टाइप। अगर आप सॉर्ट डेटा टाइप यूज करते हैं तो उसका जो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है वो 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है, और रेंज इसका ये होता है -32768 से लेकर 32767 तक। तो ये इसका रेंज होता है। इसके अलावा अगर आप सॉर्ट डेटा टाइप से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग फिर इंटीजर को यूज करते हैं, इंटीजर डेटा टाइप को। तो इंटीजर का भी जो मेमोरी साइज होता है वो 2 बाइट होता है।
इसके अलावा फ्लोट डेटा टाइप होता है, मतलब अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग फ्लोट डेटा टाइप को यूज करते हैं। फ्लोट के अलावा एक डेटा टाइप होता है डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप मेमोरी में 8 बाइट रिजर्व करता है, और इसके अलावा एक होता है लॉन्ग डबल, तो लॉन्ग डबल करता है 10 बाइट। फ्लोट क्या होता है कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट ये 6 डिजिट, मतलब आफ्टर डेसिमल पॉइंट ये 6 डिजिट, जैसे सपोज हमने कहा 1, 2, 4, 3, 2, तो यहाँ तक ये डेसिमल के बाद 6 डिजिट को रिसीव करता है। और डबल क्या करता है कि ये आफ्टर डेसिमल पॉइंट 14 डिजिट्स को रिसीव करता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। तो फ्लोट डबल ये होते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए, और जो इंट हो गया, सॉर्ट हो गया, या फिर लॉन्ग डेटा टाइप, तो ये तीनों डेटा टाइप इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं। इसके अलावा जो कैर डेटा टाइप होता है, कैर हमेशा कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों इसके अलावा अब एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटीजर डेटा टाइप को। तो जो इंट होता है, इंट हमेशा इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है, मतलब जो होल नंबर होता है उसे स्टोर करने के लिए हम लोग सी लैंग्वेज में इसका यूज करते हैं। ये जीरो स्टोर कर सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी वैल्यू स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने जीरो स्टोर किया, इसके अलावा -5 और 10, मतलब तो कोई भी आप जीरो स्टोर कर सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हो, इसके अलावा नेगेटिव वैल्यू इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल हम लोग इंटीजर टाइप का बनाते कैसे हैं? सबसे पहले इंट स्पेसिफाई करते हैं और वेरिएबल का नेम। फॉर एग्जांपल हमने बनाया इंट, एक आईडी नेम का हमने एक वेरिएबल बनाया, तो यहाँ पर जो आईडी है वो एक वेरिएबल का नेम है और जो इंट है वो एक डेटा टाइप है। तो इससे ये स्पेसिफाई होगा कि जो आईडी वेरिएबल है वो केवल इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, मीन्स आप इसमें कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, अब चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग फ्लोट और डबल। दोस्तों फ्लोट और डबल हमेशा रियल नंबर को होल्ड करते हैं, मतलब जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती हैं वो फ्लोट और डबल स्टोर कर सकते हैं। बनाने का तरीका वही होता है, सबसे पहले डेटा टाइप का नेम, देन वेरिएबल का नेम। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल बनाए, एक बनाया सैलरी, एक बनाया प्राइस। जो सैलरी बनाया वो बनाया फ्लोट टाइप का, और जो प्राइस बनाया वो बनाया डबल टाइप का। तो यहाँ पर सैलरी और प्राइस क्या है? वेरिएबल के नेम, और जो फ्लोट और डबल हैं वो डेटा टाइप के नेम है। इसके बाद देख लेते हैं कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे हमने कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल बनता है वो हमेशा कैर कीवर्ड के साथ यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बनाने का तरीका यही होगा, सबसे पहले डेटा टाइप का नेम, डेटा टाइप का नेम क्या होगा? कैर, और वेरिएबल का नेम, सपोज हमने एक वेरिएबल का नेम लिया टेस्ट, तो टेस्ट को हमने कैसे बनाया? कैर टाइप का, मतलब कैरेक्टर टाइप का। तो ये जो टेस्ट है वो केवल कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, अब वो वैल्यू कोई भी हो सकती है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं सॉर्ट, सॉर्ट डेटा टाइप को कैसे यूज करते हैं। दोस्तों सॉर्ट डेटा टाइप क्या होता है कि इंटीजर रेंज से अगर आप लेस वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, कम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग सॉर्ट डेटा टाइप को यूज करते हैं। बनाने का तरीका वही होता है, सॉर्ट डेटा टाइप को हमने यूज किया और वेरिएबल का नेम। तो यहाँ पर जो डी है वो क्या है? एक वेरिएबल का नेम है जो किसी भी सॉर्ट टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। इसके बाद लॉन्ग देख लेते हैं। लॉन्ग क्या होता है कि अगर आप इंटीजर रेंज से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग लॉन्ग डेटा टाइप को यूज करते हैं। देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले स्पेसिफाई करते हैं लॉन्ग, और उसके बाद जो वेरिएबल का नेम है एल वो यूज करते हैं। दोस्तों तो ये तो थे हमारे आज के टॉपिक के लिए कि डेटा टाइप्स हम लोग सी लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं।